उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग किस तरीके से जाकर चेकिंग करता है और इस बार हाई टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है और ड्रोन कैमरे को यूज करके उन हाई राइजेस जो बिल्डिंग्स हैं वो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो सभी पर चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की टीम है वो किस तरीके से जाकर ये जो इलाका है ये शहादतगंज का इलाका है और नूरबाड़ी यहाँ पर टीम पहुंची हुई है और लोगों में काफी क्यास है इसको लेकर कि आखिर टीम किस तरीके से चेक कर रही है। आपको बताऊं कि साथ में जो पुलिस फोर्स है वो भी मौजूद है, वो पीएसी के जवान हैं यहाँ पर, यहाँ सब इंस्पेक्टर्स हैं यहाँ पर पहुंचे हुए क्योंकि जिस तरीके के हालात लगते हैं ऐसे में निपटने के लिए इन सभी को साथ में रखना पड़ता है और इस बार ड्रोन की भी आप देखिए जिस तरीके से ड्रोन है इस ड्रेन को उड़ा के जो हाई राइजेस बिल्डिंग है या जिस तरीके चाहे वो मस्जिद हो मंदिर हो सभी जगह पर ऊपर से इसको चेक भी करते हैं कि कहीं कनेक्शन ऐसा तो नहीं है जो इलीगल चल रहा हो। आप लोग ड्रोन का यूज किस तरीके से करते हैं? इसे ऊपर केबल बनी हुई है ना, उसको देखने के लिए सीढ़ी तो लगा नहीं सकते, तो ड्रोन उड़ा के देखते हैं ऊपर कोई लगाया तो नहीं है, कटिया है या बाईपास कर लिया हो। बहुत जगह ऐसा होता है जहां आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसी स्थिति में ड्रोन उड़ा के उससे चेक करते हैं जी। अभी तक आप लोगों को ड्रोन से क्या क्या मिला है ऐसा देखने को? बहुत लोग ऊपर केबले बांध के बाईपास करते हुए पाए गए हैं। क्या कार्रवाई है? मीटर से पहले उसकी FIR की गई है। लगातार आप देखिए कि जिस तरीके से ड्रोन का यूज होता है उसके बाद अगर पकड़े जाते हैं तो FIR होती है और आप देखिए मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरीके से जो बिजली विभाग की टीम है वो लोगों के घरों में पहुंचकर यहाँ पर जो सीढ़ी है उसको प्रयोग किया जाता है और उसके बाद ऊपर जाकर लेकिन जहां तक सीढ़ी पहुंच पाती है वहां तक करते हैं और नहीं तो फिर ड्रोन का यूज किया जाता है। तो ये ड्रोन टेक्निक पहली बार यूज की जा रही है और ऐसे में साफ तौर से मानना यही है कि किसी भी चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो किसी भी तरीके का या घर हो या ऊंची बिल्डिंगें हो वहां तक पहुंचा जा सके। आप देखिए कि इस समय जो टीम है वो तकरीबन 2 से 4 जन के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। सर आप लोग जो टीम का करते हैं ये किस तरीके से आप लोगों का प्रोसेस है चेक करने का, क्या क्या करते हैं? ये उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में जो है नूर हाई लाइन लॉस फीडर पे बिजली चोरी रोको अभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें जो भी हाई लॉस फीडर हैं उन पे ये कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम उपभोक्ता की इनकमिंग सर्विस केबल को चेक करते हैं, अगर उसमें कोई भी इलीगल अतिरिक्त केबल लगा के वो अवैध प्रयोग पाया जाता है तो विद्युत अधिनियम की जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर आपने जैसे ये एरिया चेक किया है जो पुराने लखनऊ का आता है, आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ पर इस एरिए में चोरी की जा रही है, इसकी टेक्निक क्या है? ये एक्चुअली हमारे पास डाटा रहता है, हमारे सब स्टेशन जो है वहां पर मीटर लगे हुए हैं और उसमें कितनी एनर्जी जा रही है, अगर एक्स यूनिट ऑफ एनर्जी हम एक महीने में दे रहे हैं और वाई यूनिट ऑफ एनर्जी बिल कर पा रहे हैं तो जो इसका डिफरेंस है वही लॉस है। तो जो ये डाटा हम हर महीने निकालते हैं और जिसमें जो भी हाई लॉस फीडर आइडेंटिफाई होते हैं उन पे ये कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। कई ऐसी जो ऊंची बिल्डिंगें हैं जहां पर आप लोगों का एक्सेस नहीं हो पाता इजिली और ऐसे में चाहे वो बड़ी बिल्डिंगें हों वहां पर किस तरीके से करते हैं, चाहे इसके लिए मंदिर हो मस्जिद हो बहुत सारी चीजें बिल्डिंगें होती हैं उसमें किस तरीके से चेक करते हैं? जहां तक हमारा एक्सेस हो पाता है पोल पे लाइनमैन चढ़ के जाते हैं, अगर वहां एविडेंस मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर एविडेंस जहां नहीं मिल पा रहे हैं तो वहां हम दूसरी टेक्निक्स है ड्रोन वगैरह हायर करके उसको चेक करवाते हैं कि अगर हमें कहीं कोई ऐसा एविडेंस मिल रहा है कि लोग एसी में कट लगा रहे हैं ऊपर छत पे अपना केबल फैलाया हुआ है तो उसको हम चेक करते हैं और उसमें अगर एविडेंस मिलते हैं तो उसमें भी बिजली चोरी का जो। अभी तक आप लोगों कितने लोग मिले हैं ऐसे और किनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हमने सुबह ये 11 बजे से अभियान शुरू किया है इस क्षेत्र में तो ये अभी तक हमें कम से कम 18-19 लोग मिले हैं जिन पे हम अभी शाम तक आज मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और इनके सर्विस कनेक्शन भी कटवा दिए गए हैं। इस तरीके से यूज कर रहे थे ये अपनी इनकमिंग केबल में कट लगा के जो है चोरी कर रहे थे, जो सर्विस केबल पोल से डायरेक्ट आ रही थी उसमें कट लगा के एक अतिरिक्त केबल जोड़ के उससे पूरा लोड चला रहे थे और मीटर बाईपास किया हुआ था। कुछ लोगों में एक टेम्पर्ड मीटर का भी केस पाया गया तो मीटर जहां पर फिक्स किया गया था उसके पीछे से उन्होंने मीटर में टर्मिनल प्लेट को टेम्पर करके डायरेक्ट केबल जोड़ी हुई थी उससे पूरा मीटर बाईपास था, 0 डिमांड थी उस मीटर की। तो ये साफ तौर से जिस तरीके से चेकिंग की जा रही है मानना यही कि कोई भी ऐसा कनेक्शन जो इलीगल यूज किया जा रहा है या कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो इलीगल तरीके से बिजली का प्रयोग किया जा रहा है उसको रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार एक अभियान चला रही है और इसके तहत चाहे वो कोई भी तरीके की बिल्डिंग हो ऊंचे घर हो या किसी भी प्रकार का सभी जगह टीम पहुंचकर ड्रोन की टेक्निक से या खुद अपनी टेक्निक से चेक करके उनको FIR तक की जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।